गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं लगा रही थी साड़ी पे फॉल और आज है तीज का नहाखा। तो अभी हम लोग नहा धो के खाना पीना खा लिए हैं और अभी खाना नहीं हुआ है, नाश्ता हुआ है और खाना पता नहीं देखिए कब तक होता है। गैस हो गई है ख़त्म। अब हस्बैंड जब आएंगे 1:30 बजे तब सिलेंडर लेके आएंगे, उसके बाद खाना बनेगा। देखते हैं बनेगा या फिर रोटी वोटी बची होगी तो वही खा लेंगे। तो अभी मैं कपड़े धो रही थी, आज कपड़े भी खूब सारे हो गए थे धोने को तो वो सब धोई हूँ। और यहाँ पे साड़ी आई हुई थी मेरे पास, 3 साड़ियाँ फॉल लगाने को, सबको तीज में ही पहननी है तो ये भी आज करके देना है। और मुझे आज लगानी है हाथों पर मेहंदी, तो मैं सोची थी दोपहर में ही मेहंदी लगा लूँगी पर मैं दोपहर में नहीं लगा पाई क्योंकि ये 3 साड़ियाँ आ गई हैं और ये तीनों की तीनों मुझे आज ही करके देनी है शाम तक, क्योंकि सबको तीज में कल पहननी है तो आज देना ही पड़ेगा। तो मैं वही बैठ के अभी फॉल लगा रही थी। ये पहली साड़ी है, एक साड़ी पर फॉल लगा लूँ, फिर इधर रखी हुई है एक ये साड़ी है और एक ये साड़ी है। तो ये दोनों साड़ियों पर अभी फॉल लगानी है मुझे, एक पे लग गई और ये दो और रह गई है। तो अभी मैं कपड़े धोई हूँ बहुत सारे, तो आधा से ज़्यादा कपड़े तो मैं सुखा दी और अभी ये कपड़े रह गए सुखाने को एक बाल्टी, और अभी ड्रायर में कपड़े हैं तो अभी इसको निकालूंगी तो ये भी सुखाऊंगी। और उसके बाद इधर जब कपड़े धोइए ना तो बालकनी देखिए कितनी गंदी हो जाती है, बहुत गंदी, क्योंकि जो वो जाली बनी हुई है ना तो उस जाली में ना वैसी वाली जाली नहीं कि जिसमें पाइप डाल दो तो डायरेक्ट पानी अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पानी पूरी ही बालकनी में फैलती है जब ड्रेन करिए, तो इसलिए बालकनी गंदी हो गई है। तो मैं मशीन को एक साइड में करके और अभी बालकनी की सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी कपड़े बहुत सारे डले हैं सूखने को तो अभी जगह नहीं है, तो जो कपड़े अभी निकालूंगी उसे मैं अभी बाल्टी में ही रख दूँगी, जब वो पहले वाले कपड़े उतार लूँगी उसके बाद ये सारे कपड़े को डालूँगी। तो तब तक मैं क्या करूँगी, बालकनी वगैरह साफ करके मैं यहाँ पर बैठ के लगाऊँगी दूसरी साड़ी में फॉल। तो चलिए मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे तो अभी मैं मशीन हटा दूँगी, साइड में कर दूँगी क्योंकि ये बालकनी मुझे धोनी है अभी। तो अभी मैं इसको उठा के साइड में रख दूँगी और देखिए मशीन को एक साइड में करके और पूरी बालकनी को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी इधर के ही साइड मशीन को रखूँगी तो पहले इधर का साइड साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मशीन को इधर करके और फिर उधर साइड में दूसरे साइड में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पतली सी बालकनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो देखिए उसके बाद अभी मैं अच्छे से यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। और ये खुरदुरी वाली टाइल्स है ना तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, ज़रा सा भी इस पर कुछ भी गंदा गिरे ना तो दाग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसको धोते ही रहना पड़ता है। तो मैं तो रोज़ ही धोती हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं कपड़े वगैरह जो भी हैं उन सबको सुखा लेती हूँ और आधा से ज़्यादा कपड़े तो मेरे दूसरे वाली बालकनी में डाली हूँ और बाकी के कपड़े यहाँ डाली हूँ और कुछ अभी रखे हुए हैं। और ये है टमाटर का पेड़, देखिए मैंने लगाया है। और ये पता है मैं ना टमाटर को कट कर करके और मिट्टी के अंदर डाल दी थी तो ये पेड़ निकल गया। और इसमें लगाई हूँ मैं लहसुन और इसके बाद इसमें लगाई हूँ मैं बैंगन का। और ये पेड़ तो निकला है पर पता नहीं बैंगन का है कि नहीं, आप लोग बताइएगा बैंगन का पेड़ है या कुछ और है। मैं बैंगन ही लगाई थी पर पता नहीं चल रहा है, मुझे हस्बैंड बोल रहे हैं बैंगन का पेड़ नहीं है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई थी मैं, एक साड़ी में फॉल लग गई थी तो मैं इसमें अभी इसे फोल्ड करके रख दी हूँ और दूसरी साड़ी लेके बैठ गई हूँ कि दूसरी साड़ी में भी फॉल लगा दूँ और दूसरी साड़ी में फॉल लग जाएगी, फिर एक और साड़ी है उसमें भी लगानी है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं बैठ बैठ के, अभी बीच में थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं सोची बैठ के फॉल लगा देती हूँ क्योंकि ये तीनों साड़ी तीज में पहनने वाली है ना तो आज ही देनी है मुझे। तो मैं अभी बैठ के कर रही थी और फॉल लगा के अभी मुझे खाना भी देने जाना है, पापा को खाना दूंगी क्योंकि खाना दोपहर का टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से थोड़ा सा और रह रहा है तो मैं इसे भी करके कम्प्लीट और फिर जाऊँगी मैं खाना देने के लिए। और ये भी सारी कंप्लीट हो गई है तो इसको भी मैं अभी रख दूँगी फोल्ड करके। और उसके बाद खाना वगैरह दे के मैं आ गई थी पापा को, तो यहाँ पे बैठ के ये है साड़ी तीसरी। तो ये भी साड़ी बहुत अच्छी आई थी, इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट था तो मैं इसमें भी अब फॉल लगा दूँगी।
उसके बाद साड़ी वगैरह पे सब पे फॉल लगा के मैं आ गई थी। और अभी सारे लोग गए हुए हैं नीचे, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 17 सितंबर है, तो आज विश्वकर्मा पूजा है, तो गाड़ी की पूजा करने के लिए गए हैं। और बाबू सोया था इसलिए मैं नीचे नहीं गई, तो मैं यहाँ पे सोची कि तब तक आज मैं ये सारे बेड पे के चादर उठाई थी, मैं धोई हूँ, तो चादर चेंज करनी थी, तो सुबह के टाइम मुझे फॉल लगाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं सोची कि नहीं लगेगा और बीच में ही फ़ोन आ गया तो मैं कैसे दूँगी, तो इसलिए मैं सब छोड़ के पहले फॉल लगाने बैठ गई थी। तो अभी वो सब काम निपट गया है, तो मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे। देखिए बेड पे मैं पापा के बेड पे यहाँ पे चादर बिछा रही हूँ, और इसमें दो बेड लगे हुए हैं, एक बेड और एक फोल्डिंग, तो दूसरे वाले पे भी अब बिछा लेती हूँ। इस पे गोलू सोते हैं तो अभी इस पे भी चादर बिछा देती हूँ। बाकी हटा हटा के मैं उस टाइम बस धो दी थी, चादर चेंज नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आयुषी जा रही है अभी नीचे, हस्बैंड बुलाए थे पूजा करने के लिए, तो ये गोलू के साथ पूजा की सब चीज़ें, लड्डू वगैरह और जो भी पूजा में दिया धूपबत्ती ये सब होता है उसे मैं करके दे दी हूँ। और ये दोनों भाई बहन जा रहे हैं नीचे, अब गाड़ी की पूजा होगी और उसके बाद मैं इधर अपना काम निपटा रही थी, और बाबू सोया था तो मैं नहीं गई। तो देखिए यहाँ पर आयुषी कर रही है पूजा, उस पर टीका लगा के, और उसके बाद से लड्डू का भोग लगा देगी विश्वकर्मा भगवान पे। तो हो गई यहाँ पे हमारी गाड़ी की पूजा, आरती कर दे रही है, और उसके बाद ये लोग देखिए वापस से आ गए। और जब ये वापस आई ना तो मैं बैठ के मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि आयान सभी सोया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ के अभी मेहंदी लगा, मैं सोची एक हाथ पे तो मेहंदी लगा ही लेती हूँ, बाकी जब वो जग जाएगा तो करने नहीं देता है, लगाने नहीं देता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं बैठ के लगा रही थी। और अभी आयुषी अपना हाथ दिखा रही है कि मैं नहीं लगाई, तो उसके स्कूल में ऐसे लगा के हमेशा जाना मना है, तो इसलिए वो नहीं लगाई है। तो देखिए यहाँ पे जैसा भी आया है, थोड़ा सा मैं अपने से ही लगाई हूँ, मैं अपने से लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा नहीं लगाती हूँ पर बहुत बुरा भी नहीं लगाती हूँ, इतना लगा लेती हूँ कि बस हाथ अच्छा लगे। तो यहाँ पर बैठ के मैं फटाफट से मेहंदी ही लगा रही थी कि बाबू उठ गया, और देखिए अभी उठ के आ गया ये मेरे पास, और मैं मेहंदी भी लगा ली और इसकी चुटिया भी नहीं बनी है। फिर हस्बैंड ऐसे ही बालों में रबड़ लगा देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी मेहंदी लगाई हूँ, और आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मेहंदी लग के हो गई है तैयार, एक ही हाथ में लगाई हूँ, एक हाथ में मैं शाम को जाके अपनी फ्रेंड से लगवा के आऊँगी। तो आप लोग देखिए कि कैसी मेहंदी लगी है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी मेहंदी लगी आप लोगों को, मैं कैसी मेहंदी लगाई हूँ, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, जैसी भी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही है, पीछे मैं ज़्यादा नहीं लगाई हूँ क्योंकि चूड़ी वगैरह पहन लीजिए तो ऐसे भी नहीं दिखता है, आगे तो थोड़ा मन की ऐसी लगा ली, मेहंदी लगा ली हूँ और ये मैं खुद से लगाई हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैं ये मेहंदी कैसी लगाई हूँ, और दूसरे ये हाथ पे ना मैं अपनी फ्रेंड से लगवाने जाऊँगी शाम को, वही 5-6 बजे से जाऊँगी तो मैं लगवा के आऊँगी। तो अभी मैं सही लेटी थी मेहंदी वगैरह लगा के, और ये ना सूख गई थी, पूरी सूख गई थी और झरझर के गिरने लगी थी, तो मैं क्या कि इसमें चीनी और पानी का घोल बना के और वो लगा लें, उससे क्या होता है ना कि मेहंदी चिपक जाती है अच्छे से, तो अच्छे से लाल भी होती है। थोड़ी देर और रखेंगे अभी इसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स, लग गई हमारी तीज वाली मेहंदी, एक हाथ में लग गई है, अब दूसरे हाथ में लगाऊंगी। तो ये कुछ कहना चाहती है बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से, ये जो मम्मी ने मेहंदी लगाई है खुद से नहीं लगाई है, मैंने लगाई है, तो मैं मेरे को बोल यही लगाई है। ठीक है ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम ही लगाई है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसी लगी है, मैं लगाई हूँ या ऐसी लगाई है, कोई बात नहीं। मम्मी लगाइए हमारी तीज वाली मेहंदी, और इसका ये ड्रेस कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। खड़े होकर दिखा दो, ये देखिए प्यारा सा ड्रेस है, ये प्यारी सी फ्रॉक है जो मेरी भाची आई थी ना, अभी आप लोग देखे होंगे रक्षाबंधन और बर्थडे वाले ब्लॉग में, तो उन्होंने ही भेजा है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, कल है तीज और हम लोग बहुत, हम लोग मतलब जो जो तीज करते हैं वो लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, तो कल का ब्लॉग जरूर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, तो शाम को मैं चाय वाय पी के और सबको चाय पिला के घर में, और मैं आ गई थी यहाँ पे बाबू को और आयुषी को लेके अपनी फ्रेंड के यहाँ इनसे मेहंदी लगाने। वैसे तो मैं उल्टे हाथों से भी दाहिने पे लगा लेती हूँ, पर मैं आज सोची कि चलो इनसे ही लगवा लेते हैं, ये भी लगा लेती हैं। तो देखिए इन्होंने मेहंदी लगाई है इस हाथ पे, और मैं तो पीछे खाली खाली लगाई थी, पर ये तो पूरा भर भर के लगाई है मेरे दोनों, मेरे हाथों में आगे और पीछे, और मेहंदी अच्छी लगाई है ये भी।
ये भी मेरी ही जैसी हैं, बहुत बुरी मेहंदी नहीं लगाती हैं और बहुत अच्छी भी नहीं लगाती हैं, पर हम दोनों काम चलने लायक मेहंदी लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथों पे मेहंदी की डिज़ाइन भी बन जाए। और देखिए यहाँ पे ये बोल रही हैं कि मैं मेहंदी खा के और टेस्ट करके बता रही हूँ कि अच्छी लग रही है मेहंदी का टेस्ट। तो यहाँ पे यही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और ये बोल रही थी कि मैं तो ऐसे कंघी भी नहीं की हूँ और वीडियो बना रही हूँ। मैं बोली कोई बात नहीं, वीडियो में सब चल जाता है, अभी कंघी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही बैठ के हम लोग मेहंदी कर रहे हैं, लगा रहे हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आज का यही छोटा सा ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।